यार वेलकम टू 152 एपिसोड ऑफ नटी न्यूज। और इस वीक तो भाई तबाही वाले अपडेट्स आए हैं, मतलब कि फरहान अख्तर की एमसीयू में एंट्री, स्पाइडरमैन 3 से एक मेजर अपडेट, शैंगची के मूवी के कुछ फर्स्ट लुक, ब्लैक एडम एंड और भी बहुत कुछ। इसलिए पूरी तरह से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं फरहान अख्तर वाले अपडेट से। तो ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि फरहान अख्तर अभी बैंकॉक में हैं और किसी मार्वल प्रोजेक्ट के लिए शूटिंग कर रहे हैं। और अगर अभी गेस करें तो बैंकॉक में मिस मार्वल की शूटिंग चल रही है, तो हाँ ज्यादा चांसेस यही हैं कि मिस मार्वल में वो दिखने वाले हैं। वैसे इंडियन एक्टर मोहन कपूर भी इस सीरीज में मेजर रोल में है, वो मिस मार्वल के फादर का रोल कर रहे हैं। लेकिन फरहान अख्तर किस रोल में दिखने वाले हैं ये अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है। बट हाँ, एज मोस्ट ऑफ द शूटिंग इस सीरीज की कम्प्लीट हो चुकी है, तो हो सकता है कि उनका कोई बहुत मेजर रोल ना हो, या फिर मे बी वो फाइनल के एपिसोड्स में दिखें या वैसा कुछ। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। आगे एक छोटा सा बिहाइंड द सीन का फोटो है, जहां एंड गेम के सेट से ये फोटो रिलीज किया गया, जिसमें आप पॉल रट को टोनी स्टार्क के गॉन्टलेट के साथ देख सकते हैं। तो यार मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने शेयर कर दिया। आगे अगर जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग पे बढ़े तो यहाँ कुछ अल्टरनेट डिजाइन आए हैं। सबसे पहला अल्टरनेट कॉन्सेप्ट आर्ट तो आया डिसार्ट का, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। देन डार्क साइड का भी ये एक अल्टरनेट कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किया गया, जो कि फाइनल मूवी में यूज नहीं किया गया था। नेक्स्ट आते हैं एमसीयू में डेडपूल पे। तो डेडपूल 3 का तो सभी वेट कर रहे हैं, लेकिन एक और अमेजिंग अपडेट है एनिमेटेड सीरीज के फैंस के लिए। तो ऐसे रूमर्स आए हैं कि डेडपूल का एक एनिमेटेड शो बनने वाला है, जो कि आर रेटेड होगा। इसे डिज्नी प्लस के अंदर तो नहीं, लेकिन 20th सेंचुरी फॉक्स के अंदर बनाया जा सकता है। बट हाँ, हो सकता है कि ये डिज्नी प्लस पे भी अवेलेबल हो जब भी बने, पर अभी तो बस ये एक रूमर है। अगर कोई भी कंफर्मेशन आती है तो मैं तो बता ही दूंगा। अब बढ़ते हैं फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर पे। तो पिछले एपिसोड के बाद से ही सब इसी को लेकर बात कर रहे हैं, और अब फर्स्ट और सेकंड एपिसोड से ऑफिशियली इसके बिहाइंड द सीन के वीडियोस एंड फोटोज शेयर किए गए हैं, जिसमें एंथनी मैकी और सेबेस्टियन स्टैन के स्टंटमैन वो सारे एक्शन सीन्स करते हुए दिख रहे हैं जिसे हमने सीरीज में देखा था। देन एपिसोड 3 में हमने जीमो को देखा था क्लब में डांस करते हुए, और इसी के बाद फैंस ट्विटर पे ट्रेंड करने लगे रिलीज द जीमो कट। और भाई मार्वल वालों ने ये सुन भी लिया और उन्होंने पूरा एक घंटा का वीडियो शेयर किया है जिसमें बस जीमो डांस कर रहा है। आई थिंक आप सबने अभी तक देख भी लिया होगा। तो हाँ, बस 1000-2000 ट्वीट्स के बाद ही मार्वल वालों ने फैंस की सुन ली, और हाँ ये अब एक पॉपुलर मीम बन चुका है। अब फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर की ही एपिसोड 5 की बात कर लें, तो ऐसा कंफर्म किया गया है कि नेक्स्ट एपिसोड में एक मेजर कैमियो होने वाला है, जिसके बाद से ही फैंस ये गेस करने लगे कि सिंस वकांडा का इन्वॉल्वमेंट इस सीरीज में है, कि हो सकता है कि चैडविक बोजमैन को डिजिटली इसमें दिखाया जाए। जिसके बाद से ये भी कंफर्म कर दिया गया कि नहीं, चैडविक बोजमैन इसमें नहीं दिखने वाले, लेकिन ये जिस भी कैरेक्टर का अपीयरेंस होगा उसे एमसीयू के मूवीज में आज तक नहीं देखा गया, लेकिन मार्वल कॉमिक्स में वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और उसे एक पॉपुलर एक्टर भी प्ले कर रहे हैं। तो यार लेट्स सी क्या होता है। पिछले बार ऐसे कैमियो की बात हुई थी तो हमें रैल्फ बोनर मिला था। वैसे हाँ, रिपोर्ट्स ये भी हैं कि एपिसोड 5 इस बार एक घंटे की होगी। और अगर आपने मेरा ब्रेकडाउन भी देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैड्रीपुर का एक अलग से वेबसाइट मार्वल स्टूडियोज ने रिलीज किया है, explore.madripoor.com। तो इस वेबसाइट पे बहुत सारे ईस्टर एग्स हैं, जैसे कि इसमें शिपिंग यार्ड से आप बहुत सारे कंटेनर को एक्सेस कर सकते हो जिसमें एक्समैन के नाम मेंशन्ड हैं, जिसमें मिस्टिक, क्रॉमवेल ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। मैंने अपने ब्रेकडाउन वाले वीडियो में इसको कैसे एक्सेस करना है ये बताया था, और इस बार भी डिस्क्रिप्शन में मैंने यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया है कंटेनर्स के नंबर के साथ। वैसे मार्वल वालों ने सिर्फ फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर का ही वेबसाइट नहीं, बल्कि लोकी से रॉक्स कार्ट का भी एक वेबसाइट रिलीज किया है, rockscart.com, जिसमें अभी तो कुछ नहीं है, बस हाँ इसमें rockscart का लोगो है। बट मैं श्योर हूँ कि इसे भी मैड्रीपुर के वेबसाइट की तरह फ्यूचर में और एक्सपेंड किया जाएगा। अब लोकी की बात हुई है तो इस बार भी एम्पायर मैगजीन की तरफ से लोकी का एक्सक्लूसिव कवर फोटो रिलीज किया गया। वैसे एम्पायर मैगजीन हर पॉप कल्चर मूवीज के लिए या शोज के लिए एक्सक्लूसिव कवर फोटोज निकालते रहते हैं। देन एक छोटा सा कास्टिंग अपडेट है शी हल्क के मूवी से। तो एक्ट्रेस रेनी एलिस गॉल्सबेरी इस शो में कास्ट की गई हैं, लेकिन हाँ अभी तक ये पता नहीं चला है कि किस रोल में। वैसे अभी भी इसकी कास्टिंग प्रोग्रेस में है, तो और भी बहुत सारे कास्ट इस शो से जुड़ने वाले हैं। देन आते हैं एक मेजर कंट्रोवर्सी पे। तो जॉश व्हीडन वाली कंट्रोवर्सी आप सबको पता होगी ही, और इसी पे कमेंट करते हुए गैल गैडोट ने कुछ रिवील किया है। उन्होंने बोला कि जॉश व्हीडन ने उन्हें भी बहुत कुछ बोला था सेट पे, और उन्होंने एक एग्जैक्ट लाइन भी उनका शेयर किया, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो हाँ, ये कंट्रोवर्सी अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं डिज्नी प्लस के हॉकआई शो पे। तो इसके सेट से जेरेमी रेनर ने ये फोटो शेयर किया, जिसमें आप उन्हें उनके रॉनिन पर्सोना में देख सकते हो।
वैसे अभी ये कन्फर्म नहीं है कि उन्होंने हॉकाई के सेट से ही शेयर किया है या कोई पुरानी फोटो है, लेकिन अगर ये हॉकाई के शो से है तो कन्फर्म समझो कि वो इस शो में दिखने वाले हैं। देन इसी शो के बारे में मैंने लास्ट वीक ये बताया था कि इसमें एलेक्वा कॉक्स माया लोपेज के रोल में दिखने वाली हैं, और अब उनका पहला लुक सेट से रिवील हो गया है जहां उनके बहुत सारे फोटोज इंटरनेट पे अवेलेबल हो गए हैं। और सिंस अब माया लोपेज की एंट्री हो चुकी है तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एमसीयू में जल्दी डेयर डेविल की भी एंट्री हो जाए। आगे बढ़ते हैं शैंगची पे, तो इसके बहुत सारे लीक हुए हैं, बेसिकली टॉय के लीक्स हुए हैं जहां टॉय कवर से सारे कैरेक्टर्स के बहुत सारे डिटेल रिवील हो गए। आप चाहो तो इन डिटेल्स को पॉज करके पढ़ लेना, और इन डिटेल्स के साथ ही इन कैरेक्टर्स के फर्स्ट लुक विद प्रॉपर कॉस्ट्यूम भी रिवील हो चुके हैं जैसा कि आप देख ही रहे हो। देन नेक्स्ट थॉर लव एंड थंडर से भी सेट के कुछ फोटोज आए हैं जहां राइटर जेनिफर रॉबिन्सन ने कुछ फोटोज शेयर किए कास्ट के साथ। अभी इस मूवी की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में चल रही है। अब आते हैं स्पाइडरमैन 3 पे, मतलब कि स्पाइडरमैन नो वे होम पे। तो एक्टर रॉजर पेरा, जिन्होंने टोबे मैग्वायर के स्पाइडरमैन का स्पेनिश में वॉइस डब किया था, उन्होंने कन्फर्म किया कि वो स्पाइडरमैन नो वे होम में भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन कैसे ये उन्होंने कंफर्म नहीं किया। तो इसके बाद से सारे फैंस यही गेस कर रहे हैं कि टोबे मैग्वायर का स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन 3 में भी दिखेगा और रॉजर पेरा में भी इनकी स्पेनिश डबिंग फिर से करेंगे। लेकिन हाँ, ये सब अभी तक गेस है, ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। वैसे स्पाइडरमैन से रिलेटेड एक और अपडेट है कि सोनी ने नेटफ्लिक्स के साथ डील किया है जिसमें स्पाइडरमैन से रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट्स अब नेटफ्लिक्स पे मिलेंगे, मतलब कि स्पाइडरमैन के एमसीयू मूवीज भी अब नेटफ्लिक्स पे मिलने वाले हैं, डिज्नी प्लस पे नहीं। आपको पता ही होगा कि स्पाइडरमैन के मूवी राइट्स सोनी के पास हैं एंड उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ ये नया डील किया है। देन एक्टर ऑस्कर आइजैक, जो कि जल्द ही मून नाइट के शो में दिखने वाले हैं, वो अभी अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग कर रहे हैं, और इसी ट्रेनिंग से उन्होंने अपना ये वीडियो शेयर किया। ये मून नाइट की सीरीज भी बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाली है। होप्स हो कि एमसीयू में इस कैरेक्टर को डार्क टोन में रखा जाए। देन जाते आते सबसे फाइनल अपडेट है ब्लैक एडम का। तो ड्वेन जॉनसन ने कंफर्म कर दिया है कि ब्लैक एडम की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। उन्होंने ये फोटो शेयर करते हुए ये कंफर्म किया। देन साथ ही एक कास्टिंग अपडेट ब्लैक एडम से ही है जहां एक्टर जेम्स कुसाटी मोयर इस मूवी में कास्ट किए गए हैं, बट हां किस रोल के लिए ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। आपका सबसे फेवरेट अपडेट कौन सा है कमेंट में जरूर बताना, एंड होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। अगर हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, एंड ऑब्वियसली कुछ मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करना। फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के पिछले एपिसोड का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।